हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट टॉक। यार आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और यार जो आप लोग के क्वेश्चन है उसके पहले भी मैं कुछ आप लोग के जो दिमाग में क्वेश्चन थे मैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यार आप लोग कमेंट ज़्यादा ना करा करिए, आप लोग पहले चेक कर लीजिए हमारी जो टीचर्स एंड क्यूटी की प्ले लिस्ट है, मैं उसमें आप लोग के और सारे क्वेश्चन कवर किया हूँ जो आप लोग के दिमाग में होंगे। तो अभी आप जो सामने में सारा क्वेश्चन देख रहे हैं मैं इसका आज पूरा रिप्लाई करूंगा, और यार पूरा आपको बताऊंगा पूरा डीप में क्या चीज़ें कैसे होती हैं। बस आप लोग यार वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप लोग के, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन भरे चार लिया हूँ, लेकिन आपके 20-30 क्वेश्चन का रिप्लाई मैं इसी चार क्वेश्चन में सब कुछ दे दूंगा। तो आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए यार पहला क्या है कि नॉट शोइंग अप्लाई फॉर ड्राइव ऑन टीचर्स नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। देखिए यार बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं शो रहा है। यार देखिए यार जब वह स्पेसिफिक बैच की हायरिंग होती है, जैसे देखिए अभी जो NQT हुआ था 2019 और 20 वालों को हुआ था मार्च में, तो उसमें देखिए उनको सीधा जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उनके बाद उसमें उनको तुरंत मेल आया कि आप लोग TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके अप्लाई फॉर ड्राइव के लिए वहाँ पर भी चूज करिए, मतलब उसका जो सारा प्रोसेस है अपना रजिस्ट्रेशन का उसको कंप्लीट करिए। देखिए यार ऐसे अक्टूबर में था, जब अक्टूबर में जो हायरिंग थी 2020 में वो केवल 2021 बैच वालों की हायरिंग थी, तो उनको भी मेल आया था कि आप लोग TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाके अप्लाई करिए और अप्लाई फॉर ड्राइव का। यार देखिए जितने भी अगर 2019-20 वाले बच्चे जो मार्च में NQT दिए होंगे उनको तुरंत मैसेज आएगा कि आप लोग अप्लाई फॉर ड्राइव करिए, और जो मान लीजिए कुछ लोग जो मार्च में दिए हैं जो मतलब 2019-20 के हैं, अगर वो NQT दिए थे लेकिन वो गलती से अप्लाई फॉर ड्राइव का नहीं कर पाए थे तो यार उनका रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट है। तो अगर मान लीजिए अगर सामने से अगर कुछ अपडेट होता है तो TCS उनको मेल करेगा, वो जाके उस सारी चीज़ों को अपना अपडेट कर देंगे। आप लोग का अगला क्वेश्चन है, कैन बी अपडेट आवर रिज्यूम आफ्टर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड आर आफ्टर बेस्ट स्टेटस अकर्स। देखिए यार जब आपका बेस्ट दिखा दिया तो मतलब कि आपका TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल फ्रीज हो गया। आप वहां पर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, आपकी चाहे पर्सनल डिटेल हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका रिज्यूम है, आप वहां पर कुछ भी चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बेस्ट नहीं दिखा रहा तो आप उसके पहले जो आपको वहां पर अपना रिज्यूम अपडेट करना है, अपना परसेंटेज, अगर आपके कोई नाम में इशू रहा हो, अगर आपका कुछ भी इशू हो, वहां आप जाके TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे एडिट एप्लीकेशन करके वहां पर आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका अगर बेस्ट शो हुआ तो आप लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू विल बी टेकन ऑनलाइन और ऑफलाइन। यार देखिए अभी देखिए बहुत लोग क्या हो रहा है कि अगर उनका जैसे बेस्ट शो हो रहा है तो उनके बाद उनको हॉल टिकट भी जनरेट हो रहा है यार। लेकिन मैं जितना अभी जानता हूँ, जितने लोग अभी मेरे जो भी मेरे संपर्क में जितने लोग भी इंटरव्यू दिए हैं, सब लोग का यार इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ है, किसी का भी ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं हो रहा है। भले हॉल टिकट वहाँ जनरेट हो रहा है, लेकिन मेनली मैं देख रहा हूँ जितने भी, क्योंकि यार देखिए कोरोना की वजह से जितने भी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, चाहे अक्टूबर का NQT हुआ हो, चाहे फरवरी का, चाहे मार्च वाला भी, सबको जो मेल आ रहा है सभी का यार इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है। तो आप लोग यार अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यार TCS पे एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप उनसे संपर्क करिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। लेकिन यार वैसे से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आपको सब कुछ मेल आएगा, आप लोग को मीटिंग का लिंक आएगा कि आपका इंटरव्यू कब है, कैसे है, आप लोग को सारा कुछ दिखेगा। और आप लोग का अगला क्वेश्चन है, TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल इज नॉट शोइंग बैच दैट मीन्स आई एम रिजेक्टेड। देखिए यार अभी तो मैं जितना देख रहा हूँ तो पहले बेस्ट आ रहा है, फिर कुछ लोग को मेल आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि उनको उनका बेस्ट नहीं दिखा रहा है, उनको मेल आ जा रहा है कि आपका इंटरव्यू है। तो देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा केस में देखा गया है कि पहले दिखाता है बेस्ट आपका TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे, फिर उसके बाद आपका मेल आता है कि आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल है, कैसे होना है, सारी चीज़ आपको पता चल जाती है। तो यार देखिए आप लोग चेक करते रहिए यार, किसी लोग को पहले सीधा मिला जा रहा है, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा वहाँ पर TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे बेस्ट नहीं दिखा रहा है लेकिन मुझे इंटरव्यू का मेल आ गया है। तो यार ऐसा भी हो रहा है। तो यार आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जिनका भी चाहे बेस्ट दिखा रहा है, जिनको मेल आ रहा है, यार आप लोग अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। और जो यार आपके मन में क्वेश्चन है, मैं इसके पहले वीडियो अपलोड किया है, आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा। कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन है कि भैया क्या TCS का जैसे हम HR इंटरव्यू देते हैं, MR इंटरव्यू देते हैं, कुछ भी देते हैं, हमारा टेक्निकल होता है, अगर मान लीजिए हम वहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो क्या हमको मेल आता है? यार हाँ आपको मेल आता है, आपको रिग्रेट का मेल आएगा कि आप कार नहीं हो पाया, आपको सीधा मेल आएगा। अगर आप जैसे आपने टेक्निकल राउंड दिया, MR राउंड दिया, फिर उसके बाद आपको HR का इंटरव्यू भी आ जाएगा। अगर आपको मान लीजिए आप टेक्निकल में फेल हो गए तो आपको टेक्निकल के बाद ही आ जाएगा कि आपका रिजेक्शन हो गया, अगर आपको सिलेक्शन होगा। और कई लोग यार ये कह रहे हैं कि भैया मेरा
10 दिन हो गया, मेरा 20 दिन हो गया यार इंटरव्यू दिए, लेकिन मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आया यार। देखिए यार, वो तो टीसीएस की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, लेकिन यार मैं देखता हूँ जितने भी लोग दिए हैं सबको यार मेल आता है, सिलेक्शन होता है तब भी मेल आता है, अगर रिजेक्शन होता है तब भी मेल आता है। यार आप लोग मेल का वेट करिए, या तो आप टीसीएस यार टीसीएस आयोन टीम को कॉन्टैक्ट करिए, जो टीसीएस के वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया या उनका जो ईमेल आईडी दी गई है वहाँ पर आप मेल करिए, जिनका बहुत ज़्यादा समय बीत गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू नो दैट वी आर रिजेक्टेड। हाँ, कई लोग यार ये भी कह रहे हैं कि भैया मैं रिजेक्ट हूँ, सिलेक्ट हूँ, कि मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। नहीं, देखिए यार आप लोग मेल का वेट करिए, यार मैं आपको देखूँगा, आप लोग यार मेल का वेट करिए और अपना TCS नेक्स्ट पोर्टल हमेशा चेक करते रहिए। और यार मैं बोल रहा हूँ ना कि इसके पहले मैं यार जितने आप लोग के और क्वेश्चन होंगे दिमाग में, मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग यार जाके उसका वीडियो देखिए। यार आप लोग वीडियो को इंड तक देखते नहीं है तभी आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आप वीडियो इंड तक देखेंगे यार मैं सोचता हूँ कि यार खुद आप लोग को ज़्यादा वीडियो देखना ना पड़े, मैं सोचता हूँ कि आप लोग बोर ना हो, लेकिन आप लोग यार वीडियो इंड तक देखेंगे यार तो देखिए कुछ चीज़ें हमारे माइंड में होती है जो हम लोग लास्ट में कवर करते हैं। यार आप लोग इसलिए वीडियो को जो भी देखिए, वीडियो यार 5-10 मिनट का वीडियो होता है यार, आप इतना तो किसी टाइम अपना गाने में निकाल देते हैं, तो यार आप लोग जब भी वीडियो को ही देखिए इंड तक देखिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हम लोग सोचते हैं कर दिए। तो यार उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो यार पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपको मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।